हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका एक्सल का बोल्ट टूट गया है और ये रिम का भी होल बड़ा हो गया है। आखिर इसका पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, इसका लॉजिक क्या है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर में हम कपलिंग रबड़ को निकाल लेंगे बाहर। तो कपलिंग रबड़ को निकालने के बाद दोस्तों ये देखिए लॉक और चीरा पिन दिख रहा है, इसे हम प्लस के द्वारा निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये मेरा निकल चुका है लॉक और ये चीरा पिन निकाल दिए हैं। तो दोस्तों सभी नट बोल्ट को हम अच्छी तरह से एक जगह रख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सब कपलिंग का बोल्ट है, ड्रम का लॉक है। तो इसे अच्छी तरह से रखने के बाद चलिए फिर हम एक्सल को बाहर निकालते हैं, चिड़िया को फिर निकालते हैं बाहर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक नट लगा हुआ है चिड़िया में। तो इस चिड़िया का नट खोल के सबसे पहले हम इस चिड़िया को बाहर निकालेंगे। तो 27 नंबर का नट यहाँ पे होता है, तो इसे हम खोल लें। इसे खोलने के बाद चलिए दोस्तों इसे हम बाहर निकालते हैं। ये मेरा चिड़िया बाहर निकल चुका है। अब इस एक्सल को हम बाहर निकालेंगे ठोक करके। तो देखिए मेरा एक्सल बाहर निकल चुका है, आराम से निकाले ताकि मेरा बैरिंग गिरे ना। तो इसे निकालने के बाद दोस्तों जो बोल्ट टूटा हुआ है उसे हम हैमर से निकालेंगे उसे। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों इसे हम ठोक करके अच्छी तरह से सारे बोल्ट को निकाल लिए हैं। इसे निकालने के बाद अब इसमें हम नया बोल्ट ठोकेंगे। तो नया बोल्ट ठोकने के बाद दोस्तों देखिए, ऐसे बोल्ट ठोकने से क्या होता है, इसका गुना जो मीनिंग होता है, जो थ्रेड होता है, वो सुरक्षित रहता है। तो हमने सारे फिट कर दिया है दोस्तों, कपलिंग रबड़ भी टाइट कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को।